कुछ पता चला? बस लगा हुआ हूँ। सारा दिन ये केस लेकर घर में बैठे रहते हो, कभी कभी बाहर की हवा भी तो खानी चाहिए। कई दिनों से केस उलझा पड़ा है, बस एक बार सुलझ जाए, इस जालसाज को गिरफ्तार करवा दूं, फिर दार्जिलिंग चलेंगे हवा खाने। आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे पूरा एक हफ्ता हो गया घर में बैठे हो, चलो फिर घूमाते। अजीत लेकिन भी। नहीं लेकिन कुछ नहीं। अरे एक डेढ़ घंटे में तुम्हारा ये जालसाज कहीं भाग थोड़ी जाएगा, चलो। अच्छा चलो। अच्छा हुआ यार घूमने आ गए। अच्छा थैंक यू। काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। उस जालसाज की कलाई आज खुली जाएगी। अरे मोहन, अरे अजीत, अरे यहाँ कहाँ, एक जमाने के बाद। हाँ अजीत, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और क्या कर रहे हो आजकल? अरे करना क्या है, डॉक्टरी पास की है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोहन और मैं स्कूल में इंटर तक एक साथ थे, उसके बाद मोहन मेडिकल में चला गया। मोहन ये मेरे मित्र ब्योमकेश बख्शी। नमस्कार। अच्छा अच्छा नमस्कार। शुरू शुरू में शक होता था कि आपके कीर्ति प्रचारक क्या हमारे बचपन के मित्र अजीत बैनर्जी ही हैं, लेकिन यकीन नहीं होता था। कहाँ ब्योमकेश बख्शी और कहाँ। अरे भाई ये तो इन्हीं की मेहरबानी है, मुझे अपने साथ घसीट लाए। और कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही जरा, वैसे कोई खास जल्दी नहीं है। अरे तो फिर चलो एक साथ थोड़ी सी हवा खा लेते। आओ चलो। और रहते कहाँ हो? पहले तुम बाग बाजार रहते थे ना? हाँ अब इधर ही रहता हूँ, पूर्ण दास रोड पर। अच्छा, कभी आओ ना, आप भी आइए ना। अरे ब्योमकेश को फुर्सत कहाँ है, आज तो इन्हें बड़ी मुश्किल से घर से घसीट के लाया हूँ मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए ना। वो सोचा इतनी छोटी सी बात के लिए आप जैसे व्यस्त आदमी को क्या परेशान करूं। अरे कहो ना क्या बात है, कम से कम कुछ दिनों के लिए इन्हें उस जालसाज से छुटकारा तो मिल जाएगा। कौन जालसाज है? कोई, लेकिन बहुत परेशान कर रहा है। तुम कहो क्या बात है। मेरी बात सुनकर ब्योमकेश बाबू हंसेंगे। अगर हंसने की बात होगी तो जरूर हंसेंगे। मुझे लगता है आप किसी समस्या को लेकर उलझे हुए हैं, कोई हल ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल मेरे एक मरीज हैं, उन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि क्या बताऊं। मुझे ही क्या, सारे घर वालों को तंग कर रखा है, किसी की कुछ सुनते ही नहीं। मोहन ऐसा करते हैं, वहां वो बेंच है ना उस पर बैठते हैं, वहां बैठ के तुम सब कुछ खुल के कहो। आओ ब्योमकेश। हाँ आप बोलो। यहाँ के एक बहुत बड़े रईस हैं, महीने में करीबन 40,000 की आमदनी है, और भी चारों तरफ बहुत जायदाद है। इसी परिवार के कर्णधार हैं नंद दुलाल बाबू, यानी मेरे मरीज। अब 55 के होंगे लेकिन देखने में 70 के लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चिड़चिड़े, बददिमाग, उजड़ और क्रूर होते जा रहे हैं। सच इतना नीच स्वभाव का आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अपनी जवानी में काफ़ी अय्याशी कर चुके हैं और वही सब कुछ अभी इस उम्र में भी करना चाहते हैं, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया है, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए सारी दुनिया से नाराज़ हैं और अब बिस्तर में पड़े रहते हैं, चलने फिरने की भी ताकत नहीं रही। अभी तक जिंदा कैसे हैं यही ताज्जुब की बात है। वैसे कोई ताज्जुब भी नहीं, लोग तरह तरह के नशे करते हैं, शराब, गांजा, चरस, कोकेन, लेकिन कभी मकड़ी के रस का नशा करते सुना है? मकड़ी का रस, ये कौन सा नशा है? एक तरह की मकड़ी होती है जिसके शरीर से ये जहरीला रस पीस कर निकाला जाता है। तरंतुला डांस, किसी जमाने में स्पेन में इस मकड़ी के चुभन को लेकर लोग बेतहाशा नाचते थे, एक तरह का उत्तेजक जहर है, लेकिन हमारे मुल्क में किसी को इस्तेमाल करते नहीं सुना। बिल्कुल ठीक, तरंतुला। साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोलने वाले इलाकों में ये नशा बहुत प्रचलित है। तरंतुला रस एक तीव्र घातक जहर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेने से शरीर की नसों में ताजगी आती है और उत्तेजक का काम करती है।
हमारे नंदलाल बाबू अपनी जवानी में यही नशा करते थे, लेकिन आज जब उनका शरीर जर्जर होकर टूट चुका है तो वो ये नशा छोड़ नहीं पा रहे। जब मैं उनका पारिवारिक डॉक्टर बना तो मैंने कहा यह नशा फौरन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नंदलाल बाबू कहाँ सुनने वाले। मैंने भी कहा मैं इस नशे को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा, देखें आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा है देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है मुझे, अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। हालांकि उनकी पत्नी और उनके दो लड़कों ने उनके पर पहरे बिठा रखे हैं और वो खुद भी पंगु होकर बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इस तमाम रोकथाम और सतर्कता के बावजूद वो मजे से ये जहर पिए जा रहे हैं। पता नहीं इस शख्स को कहां से और कैसे ये मकड़ी का रस मिल रहा है, यही हमारी समस्या है। अगर आप अजीत चलो घर चलते हैं, एक पॉइंट सुझा है, वो अगर लग जाए तो उस जालसाज का मामला सुलझ सकता है। क्या बात है, मोहन की कहानी ठीक से सुनी भी नहीं? अरे सुनूंगा क्यों नहीं, इंटरेस्टिंग है, कठिन समस्या भी है, लेकिन वो जालसाजी का मामला जब तक सुलझ ना जाए तब तक आप... कोई बात नहीं ब्योमकेश बाबू, मैं जानता हूँ आपको छोटे छोटे केस में उलझाना उचित नहीं है, लेकिन क्या करूँ, सोचता हूँ कि एक मरीज की मदद करूँ तो उसकी जान बच सकती है। कोई भी इंसान वो कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर हमारी आंखों के सामने बूंद बूंद जहर पीकर खुदकुशी कर रहा हो और ये सब जानते हुए भी हम कुछ ना करें तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है, कम से कम मेरे लिए तो है ही। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं केस नहीं लूँगा, लेकिन इसे समझने के लिए कुछ समय भी तो चाहिए, और फिर एक बार नंदलाल बाबू से मिलना भी बहुत ज़रूरी है, प्रतिष्ठित आदमी हैं, हम उन्हें इस दुनिया से आसानी से गुजरने नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए, लेकिन इस समय मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, आप इसलिए उन्हें एक दो दिन और जहर पीने दीजिए, फिर मैं उनकी खबर लेता हूँ। ठीक है, यही सही, आप कब आ सकते हैं बता दीजिए, मैं कार भिजवा दूँगा। अच्छा एक काम करते हैं, अजीत आपके साथ चला जाता है, वो नंदलाल बाबू से मिल लेगा, मैं बाद में उससे सब कुछ पूछ लूँगा, फिर बाद में बताता हूँ क्या करना है। अजीत आपके बचपन का दोस्त है, इसीलिए शायद आपको लग रहा है कि वो क्या करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, अजीत मेरे साथ रह रहकर काफ़ी तेज़ हो गया है, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान कर दे और मेरी ज़रूरत ही न पड़े। ठीक है, अजीत को ही लिए जाता हूँ, लेकिन अगर अजीत कुछ नहीं कर पाया तो... अरे फिर मैं तो हूँ ही ना अजीत। हाँ सब कुछ ध्यान से देखना, कहाँ रहते हैं, कौन मिलने आता है, क्या कहता है, सब नोट कर लेना, ठीक है? अब मुझ पर विश्वास किया है तो देखना कुछ करके दिखाऊंगा, आखिर इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ, कुछ तो सीखा ही होगा। अच्छा अब आप दोनों जाइए, मैं घर पर ही हूँ, इंतजार करूँगा। ठीक है, आओ जी। आइए डॉक्टर बाबू, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये मेरे पुराने मित्र हैं, फिलहाल मशहूर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के साथ ही हैं, इन्हें तुम्हारे पिताजी का केस समझाने गया, शायद कोई फायदा हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। आओ जी आइए। ये नंदलाल बाबू के बड़े लड़के अरुण है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? करेंगे क्या, वही उपन्यास लिख रहे हैं। आज फिर लिए? हाँ। अरे कौन है, भागो यहाँ से, मैं लिख रहा हूँ। पिताजी डॉक्टर बाबू आए हैं। कमर पीछे पड़े हो, चले आते मेरे देखभाल करने, बेवकूफ, शांति से काम भी नहीं करने देते। चलो भाई दरवाजा खोल दे। सब ठीक है ना?
क्या लिख रहा है? अबे डॉक्टर, किसको पकड़ के लाए? पूछते हैं मैं क्या लिख रहा हूं। कोई नहीं, मेरे एक पुराने मित्र हैं। भगाओ साले को, तुम भी भाग जाओ। सब मेरे रुपए खाने के चक्कर में पड़े। गेट आउट चोर साले। तुम उधर बैठ जाओ और जो कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो, बाद में अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। ओके। आज फिर नशा कर लिया? हाँ हाँ कर लिया, और भी करूंगा। किसी के बाप का खाता हो क्या? अरे इसमें आपका ही नुकसान है नंदलाल बाबू, किसी और का नहीं। मगर ये सब समझने की आप में अकल कहाँ? अरे नशा कर करके आपने अपने भेजे के 12 बजा दिए। भेजे के 12 बजा दिए हैं? तुम्हारे भेजे में तो काफी अकल है ना, फिर क्यों नहीं कुछ पकड़ पा रहे हैं? चारों तरफ पहरा बिठा दिया है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए हैं? बोलो, आज एक नया बांगलू ले आए, वो क्या करेगा? उसके खोपड़ी में क्या तुम्हारी जैसी अक्कल है? बोलो। ए ओ, क्या देख रहे हो इधर उधर है? कुछ नहीं मिलने वाला है। आपसे तो बात करना भी झकमारी है। कीजिए जो मन में आए। वो तो करूंगा ही, है कोई मुझे रोकने वाला? दो दो डॉक्टर आ गए। अरे डॉक्टरों की फौज बुला लो फौज, फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े आए मुझे डराने वाले। देख लिया ना, ये मुसीबत है, कुछ किया जा सकता है? लेकिन ये सब लिख क्या रहे हैं? अरे सब बकवास, गंदी गंदी गालियों से भरी दुनिया भर को हिदायतें। ये अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यिक समझते हैं, उपन्यासकार, कभी लाल स्याही से कभी काली स्याही से अनाप शनाप लिखते रहते हैं। ये समझते हैं कि कलकत्ते के सारे संपादक बेवकूफ हैं, क्योंकि वो इनकी कलाकृति लौटती डाक से वापस भेज देते हैं, कोई नहीं छापता। क्या पट्टी बढ़ा रहा है, है? और आप हजरत, आप है कौन है? मेरे घर में गुस्सा है, ये क्या धर्मशाला है? भागो यहां से। यहां ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं, समझे? चुपचाप यहां से चलते बनो, मैं तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। दुनिया भर के चोर उचक्के बदमाशों ने डेरा डाल रखा है मेरे रुपयों को श्राद्ध करने। आप बुरा ना मानिए, नशे में पिताजी अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बीमार है, मैं इनकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा? कोई बकवास नहीं करेगा। अरुण निकल दो इन दोनों को यहां से। देख लिया कितना भयानक नशा है जो अच्छे भले इंसान को हैवान बना देता है। ये क्या लिखते हैं देख सकता हूं? हाँ हाँ, जो मर्जी आए देखो। ये सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, उठ नहीं पाते, इनकी सारी हिंसा सिर्फ जुबानी है। वो अलमारी देखें? हाँ हाँ चलो ना। ये मेरी दी हुई दवाइयां हैं, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी गंदी गंदी गालियां कैसे लिखते हैं? ये तो अमिल जोला को भी मात करते हैं। अरे रंगीले मिजाज के आदमी थे, अपनी सारी मायूसी लिखाई में ही निकालते हैं। देखो ये आ जाए हैं, नौकर से बोल के इनके लिए खाना बनवा देना।
किसी तरह की। सुनो, तुम्हारे पिताजी इसका इस्तेमाल करते हैं? कभी देखा तो नहीं, इस्तेमाल करते तो खुशबू जरूर मिलती। कितने दिनों से है यहाँ? सालों से। अबे ओ नए डॉक्टर, चुपचाप वो गुलाबदानी रख दे, तेरे बाप का माल नहीं है। ये भी मालूम है, ये गुलाबदानी बादशाह शाहजहां के जमाने की है। हाँ अच्छा, थोड़ा ले लो और भागो यहां से। और कुछ देखना है? वो उधर क्या है? बाथरूम। आओ। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, कुछ छुपाइएगा नहीं। नहीं, पूछिए। आपने नंदलाल बाबू पर पूरी तरह से निगरानी रखी है? जी। 24 घंटे? जी। हाँ। निगरानी कौन कौन रखता है? अरुण, इसका छोटा भाई, और माताजी बारी बारी से पिताजी के साथ रहते हैं। नौकर या किसी को उनके नजदीक आने नहीं देते। किसी ने उन्हें नशा करते नहीं देखा? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन जब नशा कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि नशे में है। लेकिन कब और कैसे नशा करते हैं नहीं मालूम। यही तो मुसीबत है, कब करते हैं और कैसे करते हैं कुछ पता नहीं चलता। पहले सोचा बाथरूम में रखा होगा, वहां ले लेते होंगे, लेकिन बाथरूम के कोने कोने की तलाशी ले ली, वहां कुछ भी नहीं मिला। और फिर क्या, बाथरूम भी अकेले थोड़ी जाते हैं, कोई ना कोई हमेशा साथ ही रहता है। नशे की चीज कैसी है, किसी ने कभी देखा है? पहले जब खुलेआम पीते थे तब देखा था, पानी या शरबत के ग्लास में 2-3 बूंद डालकर पीते थे। उस जैसी कोई चीज घर में है क्या? हमने घर की सारी तलाशी ले ली, कहीं भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें नशा मिलता कैसे? क्या पता, यही तो मिस्ट्री है। अच्छा, आप तीनों के अलावा इस घर में कोई और आता है? कोई नहीं, डॉक्टर बाबू के अलावा। कभी भी कोई नहीं आता? कभी कभी पोस्टमैन आता है, पिताजी की रजिस्ट्री चिट्ठी आती है। रजिस्ट्री चिट्ठी कहाँ से आती है? कलकत्ते से ही आती है, एक औरत है, रेबेका लाइट, पिताजी की पुरानी जान पहचान है, वही भेजती है। उस रजिस्ट्री चिट्ठी में क्या होता है कभी देखा है? जरूर देखा है। लिफाफे में 1 या 2 दस्ता सफेद फुल स्केप कागज रहता है, जो कागज अभी अभी उनके बिस्तर पर बिखरे पड़े थे ना, उसी पर लिखते रहते हैं। 1 या 2 दस्ता? इनके चारों तरफ तो रिम के रिम कागज पड़े रहते हैं। हाँ हाँ, मगर ये रजिस्ट्री हर हफ्ते या 10 दिन में आती रहती है। अच्छा, इस रजिस्ट्री का लिफाफा है आपके पास? वो तो हम फेंक देते हैं, फिर भी देखता हूँ। ये औरत जो ये रजिस्ट्री भेजती है, कभी मिले हो इससे? अरे, उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, उससे क्या मिलना, सभी जानते हैं इन दोनों के बारे में, अब तक रुपया भेजते रहते हैं उसके पास। कैसे? जब चल फिर सकते थे तो खुद जाकर दे आते थे, अब खुलेआम मनी ऑर्डर भेजते हैं, 100 रुपया महीना बतौर पेंशन। हाँ, यूं ही समझ लो। अच्छा, ये औरत रहती कहाँ है? यहीं ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड पर, कहते हैं कि वो मकान भी इन्होंने ही लेकर दिया है उसे। मिस रेबेका लाइट। अच्छा, मैं अगर इस औरत से मिलूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, शौक से मिलो, लेकिन ये नशीली चीजें वहां से नहीं आती हैं, ये हमने पता लगा लिया है। फिर भी, अच्छा, तुम्हें पूरा यकीन है कि इस लिफाफे में सफेद कागजों के अलावा और कुछ नहीं होता? चिट्ठी पहले यही खोलते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं, और फिर वही चिट्ठी खुली हुई पोस्टमैन लेकर अंदर जाता है और रसीद पर दस्तखत करा लेता है। हर बार आप ही खोलते हैं? जी हाँ, हर बार। ये चिट्ठी कब से आती है? तकरीबन पिछले 6 महीने से, या यूं समझ लो जब से इनके पिताजी ने खाट पकड़ी है।
अच्छा आप ऐसा क्यों नहीं करते, 4-5 रिम कागज आप खुद खरीद ले और इन्हें दे दीजिए ताकि इससे रजिस्ट्री वजिस्ट्री का झमेला ही खत्म हो जाए। अरुण चला गया शर्म से, वो अपने बाप की बदनामी नहीं सुनना चाहता था। कहा ना, रिबेका उनकी रखेल है, स्वेडन का स्पेशल कागज मंगवाने के बहाने उसे रुपया भेजते हैं ताकि घर में कोई झमेला ना हो। क्या वाकई में ये कागज स्वीडन का है? क्या मालूम। अच्छा, इस कागज का एक सैंपल मिल सकता है? अरे एक क्या, चाहो तो पूरा रीम ले जाओ। इस घर में अगर किसी चीज की ज्यादती है तो बस इस कागज की। मुझे तो लगता है हर छठे दिन आ जाते हैं ये कागज। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। मैं जरा बुमके से मशवरा करता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं 9 और 12 के बीच यहाँ रहता हूँ। टेलीफोन नंबर लिख लेना, जैसा हो मुझे बताना। ठीक है। पूटी राम, जरा देखना तो। क्या कर रहा है? अजीत आया, खोल। आओ अजीत आओ, बिल्कुल वक्त पर आए हो, जालसाज पकड़ा गया। अच्छा, बधाई हो। मामला क्या है? हैं? तुम तो इतने शौकीन नहीं थे, ये खुशबू कहाँ से लगा है? लगाई नहीं है। हाँ? ये जेब में रख कर लाया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे उस दोस्त के केस का क्या हुआ, सुलझा दिया मामला? नहीं, अभी नहीं। कोई सुराग मिला? मिला भी है और नहीं भी। मोहन का ये मरीज सचमुच ही बहुत ही बदमिजाज और घटिया किस्म का इंसान है। मैं तो कहूंगा रुको, अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पूटी राम से कहा है आज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाए। अच्छा, आज डटकर खाएंगे, फिर मैं सो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से इस केस में उलझा हुआ, फिर तुम सुबह अपने इस घटिया किस्म के आदमी के बारे में बताना मुझे। बिल्कुल, मैं भी बहुत थका हुआ। चलो पूटी राम, खाना लगाओ। ये लिफाफा, ये कागज और ये खुशबू, मेरे ख्याल से उस रुबरी शीशी जिसमें से मैं ये सुगंध लाया हूं उसे एनालाइज किया जा सकता है, शायद कुछ मिल जाए। क्या मिलेगा? मकड़ी का रस? सुगंध बढ़िया है। हो सकता है नंदूलाल बाबू खुशबू के बहाने 1 मील दूर से जिसकी सुगंध आती है उसे कोई छुपा कर रख सकता है। फिर नंदूलाल बाबू खुशबू लगाते हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन नहीं अजीत, कहीं और ढूंढो। किस तरह से चीज कमरे में आती है, किस तरह से नंदूलाल बाबू सबकी आंखों के सामने जहर मुंह में लेते हैं, ये सब सोच कर देखो। क्या कुछ पता चला? मुझे लगता है कि मकड़ी के रस का रहस्य पता चल गया। वेरी गुड, बताओ। मैंने नंदूलाल बाबू के कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले देखे, मुझे लगता है कि मकड़ियां वो पकड़ पकड़ कर खाते हैं। यू आर ए जीनियस अजीत बबुआ, दीवार की मकड़ी खाने से कोई नशा नहीं होगा बल्कि सारे शरीर में फुंसियां निकल आएंगी। ये तो है। हाँ, ये ले पापा, चलो उस औरत से मिलते हैं, क्या पता वहां से कुछ पता चले। मिल सकते हैं, लेकिन अगर उसे कुछ मालूम भी होगा तो वो बताने वाली नहीं है, उनकी पुरानी दोस्ती है, क्या दोस्ती नहीं निभाएगी। ये कागज, ये स्वीडिश कागज, हो सकता है इस कागज पर न नजर आने वाली स्याही से कुछ संदेश भेजा जाता हो जिसे पढ़कर नंदूलाल बाबू को नशे का पता ठिकाना मिले। अच्छा मान लो ये भी ठीक हो, लेकिन नशे वाली चीज तो कहीं होगी। बिल्कुल ठीक, इस काकर से भी कुछ नहीं होने वाला।
मुझे तो इस कागज से ही साफ पता लग रहा है कि कहां से चीज आती है और कैसे नंदलाल बाबू नशा करते हैं। इस कागज से? कैसे? तुमने कहा हर हफ्ते ये कोरा कागज रजिस्ट्री से आता है। हाँ। क्यों आता है? क्यों आता है? लिखाई के लिए। नंदलाल बाबू प्रसिद्ध साहित्यकार भी तो है। कुछ भी हो, लेकिन सोचने की बात है कि वो कोरा कागज है। अरे तो क्या हुआ, कागज तो कोरा हो गई। अगर कागज कोरा है तो रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत है? हर हफ्ते कागज भेजा जाता है, महीने में एक बार क्यों नहीं भेजा जाता? मतलब रुपया महीने में एक बार भेजा जाता है? हाँ। तो फिर कागज भी महीने में एक बार भेजा जाना चाहिए। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे हफ्ते में भेजे या महीने में, इसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, अभी पता चल जाएगा। उस औरत रिबेका को रुपया भेजा जाता है, हाँ? तुम्हें मालूम है क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि वो उसकी आश्रिता है। बस यही? क्या कोई और भी वजह हो सकती है? अच्छा, वो दिन रात गंदी गंदी बातें लिखते रहते हैं, मालूम है क्यों? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है? शायद मालूम है। एक और बात तुमने कही कि उनके पास दो फाउंटेन पेन है, एक लाल स्याही का और एक काली स्याही का, ठीक? हाँ ठीक, लेकिन अब मुद्दे की बात तो बताओ। बताता हूँ। अच्छा, तुमने नंदलाल बाबू की जीप पर गौर किया? जीप? हाँ जीप, ये। उसमें क्या गौर करना है? उनकी जीप लाल थी या काली? ये क्या मजाक हो रहा है? मजाक नहीं, सारा दारोमदार नंदलाल बाबू की जीप के रंग पर ही है। तुमने कुछ गौर नहीं किया? जीप लाल है, पीली है या काली, ये देखने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारे सारे ब्यौरे सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंदलाल बाबू के यहां टेलीफोन तो होगा ही, मालूम है नंबर? जरा वहां टेलीफोन करो, डॉक्टर मोहन नहीं तो उनका लड़का वहां होगा, जरा पूछ कर देखो। अब जीभ लाल ही सही, पान खाने से जीभ लाल नहीं होगी तो और क्या होगा? हेलो मोहन, मैं अजीत बोल रहा हूँ। हाँ अजीत बोलो, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। लाओ मुझे दो। नमस्कार डॉक्टर मोहन, मैं बोमकेश बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये जानना है कि हमारे नंदलाल बाबू की जीभ लाल रहती है? हाँ जीभ, हाँ हाँ उनकी जीभ हमेशा लाल रहती है। नहीं नहीं, पान बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन फिर भी जीभ हमेशा लाल रहती है। कह रहे हैं नंदलाल बाबू की जीभ हमेशा लाल रहती है और वो पान नहीं खाते? आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, वैसे मेडिकली कोई डर की बात नहीं है। आपकी पहेली का जवाब मिल गया जी। आज अजीत ने ही गुत्थी सुलझाई है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। मैं अपनी जालसाजी के मामले में फंसा हुआ था, इसलिए आपके साथ कल आ नहीं पाया। हाँ नहीं नहीं, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके कमरे से उनकी लाल स्याही वाला फाउंटेन पेन हटा दीजिए या तो फिर छुपा दीजिए। जी बिल्कुल, अजीत को धन्यवाद कहूँ? तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं तुम्हारे मित्र। कह दिया जी, हाँ कह रहा है नो मेंशन। मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहते रहते अजीत काफी तेज हो गया है। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो नंदलाल बाबू के यहाँ जाना है। क्यों? अरे देखोगे नहीं, पकड़े जाने पर चोर क्या धमाल करता है। चलो 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 चलो, जल्दी करो। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरा लाल साई का फाउंडर में ला फौरन। अरे डॉक्टर के बच्चे, तुझे मैं जूते से पिटवाऊंगा। अरे मेरे लाल साई लाओ ना। अरे साले, कल कहीं से एक पाखंडी को पकड़ लाया, साले को कुछ मालूम नहीं, और मेरे लाल साई वाली फाउंटेन पेन छीन लिए। अरे अरुण डॉक्टर, अरे मैं लाल साई पेन डॉक्टर अरुण। इनका बाया हाथ क्या इसी तरह कामता रहता है? जी पिताजी को कुछ होगा तो नहीं?
इन्हें नशे की चीज नहीं मिल रही इसलिए परेशान है। ये विड्रॉल सिम्टम्स है। डॉक्टर बाबू ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन तैयार रखिए, सो जाएंगे, मैं देखता हूँ। That's right. मैं इंजेक्शन तैयार करता हूँ। अरुण आ मेरे साथ। साले, बदमाश, चोर, लुच्चे, हरामी, इस डॉक्टर के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा करवा लूंगा। अरे लाल स्याही वाला पेन मैं रात पे। लाल स्याही वाला फाउंटेन पेन चाहिए? घबराइए मत, अभी दिलवाता हूँ, परेशान मत होइए, बस लेट चाहिए। क्यों क्यों लेट चाहिए ना? आपको अपना नशा चाहिए ना? हाँ, मैंने इंजेक्शन में वही डाला है। हाँ, लेट चाहिए, लेट चाहिए, लेट चाहिए। डॉक्टर मोहन, लेटे रहिए, नशे पकड़ो। लाल जाएगा, लाल जाएगा पेन, पेन लाल लाल। ठीक है, अंदर दे दो। कब से चल रहा है ये सब? हुजूर, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ हुजूर। इस गरीब आदमी को कितने रुपए मिलते हैं इस काम के? जी 20 रुपए। कौन देता है? जी ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड के पास एक औरत रहती है हुजूर। और इस गरीब आदमी को पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए कितना समय? करीबन करीबन 2 साल हो गए हुजूर। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हुजूर। हुजूर मेरी लड़की की शादी करनी थी हुजूर। अजीत, पुलिस को खबर कर दो। हुजूर मैं मर जाऊंगा हुजूर। नहीं मरोगे, पुलिस को साफ साफ सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ। अच्छा मालिक। अजीत सर, हाँ नंदूलाल बाबू को वापस अपनी जगह पर सुला दो। आओ। बस अब इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अच्छा हुआ पोस्टमैन आज ही आ गया। अब आप यहां बैठिए, इन्हें आपकी जरूरत है। बात बताओ, ये सब पता कैसे चला? अजीत तुम ही बता दो, शुरू से तुम ही लगे हो इस केस में। हाँ हाँ बताओ ना। नहीं तुम ही बताओ, तुम्हारे कहने का स्टाइल अच्छा है ना। बिगड़ते क्यों हो? ठीक है मैं ही बताता हूँ। सीधी सी बात है, नंदूलाल बाबू के कमरे में 5 आदमी आते हैं। 5 नहीं 4, मैं, माता जी और ये 2 भाई, 4 हुए ना? जी नहीं 4 नहीं 5। 5वां आदमी वो रजिस्टर्ड पार्सल लाने वाला पोस्टमैन। अब ये तो साफ जाहिर है कि उन 4ों में से किसी ने नंदलाल बाबू को जहर तो नहीं दिया, इसीलिए सारा शक उस 5वें आदमी पर, यानी कि पोस्टमैन पर पड़ता है। आप लोग ने लिफाफे की तहकीकात की, कोरे कागजों को उलट पुलट कर देखा,
आप लोग समझते थे कि जरूर उस लिफाफे में ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जहर पहुंचाने वाला लिफाफा नहीं बल्कि उस पोस्टमैन का फाउंटेन पेन था। रजिस्ट्री करके कोरे कागज भेजने का मकसद यही था ताकि वो पोस्टमैन नंदूलाल बाबू के कमरे में दाखिल हो सके। एक और गलतफहमी थी, आप सबको शक था उस औरत पर जहां रुपया भेजा जाता था बतौर उसके पेंशन के। असल में मनी ऑर्डर भेजा जाता था मकड़ी के रस की कीमत और पोस्टमैन की फीस चुकाने के लिए, और नंदूलाल बाबू को लिखने का कोई शौक नहीं था। वो लिखते थे ताकि उनका नशा उनके पास रहे, जब जी चाह लिखते लिखते लाल स्याही वाले कलम से थोड़ा सा चूस लिया, बस हो गया नशा। बहुत बहुत धन्यवाद व्योमकेश बाबू, उस दिन अचानक अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो हम तो ये रहस्य कभी नहीं जान पाते। ऐसा ही होता।